दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई ना, तक 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 मारो घन राधा श्री राधा श्री राधा, छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल, राधे 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 अम्मा। मलाई मार के कुल्हड़ में लस्सी आ गई है यहाँ कि माँ मुझे डांटेगी कि मेहंदी कहाँ लगवा के आई, तो राधा रानी ने यही धो लिया था मेहंदी के हाथों को। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगी। गाजियाबाद वाले गुड वाली मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि आज मैं वृंदावन जाने वाली हूँ। व्लॉग का एंड करने के बाद मैं सोई नहीं, तुरंत से मैंने नहाया, व्लॉग एडिट किया, अभी अपलोड हो रहा है और हो ही चुका है वैसे ऑलमोस्ट। मुझे कहा गया था कि 6 बजे तक आप तैयार हो जाना, 6 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं एक्चुअली जा रही हूँ रश्मि जी के साथ, उनको आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, वो जाते रहते वृंदावन। और उनको मैंने बोला था कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे तो मुझे बताना, मुझे भी जाने की इच्छा है। तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग हो रही थी लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम नहीं जा पा रहे थे। कभी उनके वहाँ कोई प्रॉब्लम है, कभी मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम है, बच्चों की फ़िलहाल छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो अभी जाना आज का निश्चिंत हुआ है, तो अभी दिन भर में जो भी होता रहेगा आपको दिखाते रहूँगी इस व्लॉग में। मैं तो अकेली थी, मैं तैयार हो चुकी हूँ। वहाँ वो 4 लोग हैं, सबने तैयार होना, तो उनको भी टाइम लग रहा है। मुझे टाइम दिया था 6 बजे का लेकिन खुद लेट हो चुके हैं। तो देखते हैं अभी कितने बजे निकलेंगे घर से, पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी जो जला ली है मैंने, वेट कर रही हूँ त्यागी फैमिली की, कब वो आएंगे, कब कॉल करेंगे, कब मैं घर से जाऊँगी। कुछ भी सोई नहीं है, काफ़ी थकी हुई है, रात भर से काम पे थे। जस्ट अभी सुबह आए, आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा, लेकिन मुझे छोड़ के आएंगी ये, जहाँ से वो मुझे पिक करेंगे वहाँ तक, तो इसलिए जाग रहे हैं अभी, फ़ोन पर लगे हुए हैं गेम खेलने। तो अभी देखते हैं, बाकी जो भी होगा दिन भर में दिखाती रहूँगी आपको। और आज जो मैंने कुर्ती वेयर की, आज पहली बार ही वेयर की है, कॉटन की कुर्ती है। दिन में धूप हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा कॉटन पहनना ही सही है, थोड़ा रिलैक्स भी रहेगा। तो चलो ठीक है, बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ, आज हम जाएंगे वृंदावन। त्याग फैमिली आ गई है अभी, जहाँ वो हमेशा मेरा वेट करते हैं वहीं पे खड़े अभी भी मेरा वेट कर रहे हैं। कुछ चूँकि आग लग गई थी, मैंने सोचा कि चुप करके निकल जाऊंगी मैं, लेकिन फ्री उठ गए, वो भी जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। तो गाइस अभी फिलहाल हम हाईवे पे पहुंच गए हैं, सफर शुरू हो चुका है और चिप्स भी शुरू हो चुकी है। राधे 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 राधे। हाय स्नेहा, कैसे हो? ठीक। कार चल रही है भैया, एक बार फिर से ड्राइविंग सीट संभालते हुए हमारे। और ये है बड़ी नंद जी, है ना? हाँ। ये है रश्मि जी की बड़ी नंद जी। हाँ, ये कैसे हैं? बढ़िया। इन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेवारी संभाल रखी है। कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं आगे। रश्मि जी ने मुझे बताया नहीं, नहीं तो मैं भी लेकर आती, दर्शन इनके मैं बाद में कराऊंगी, भी बैठे हुए हैं। अभी तकरीबन 8:30 बज चुके हैं, रात भर सोई नहीं हूँ, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही है कल की। तो अभी सोने लगी हूँ, घंटा आराम करूँगी, थोड़ा फ्रेश अप फील होगा। कान्हा जी टोकरी में भी पीछे रखे हुए हैं मेरे, सो गई है। मैडम जी फोन पे लगी हुई है। गुड नाइट। तो गाइस अभी वृंदावन जाते जाते रास्ते में हम रुके हैं, यहाँ पर कोकिला वन नाम की ये जगह है। शनि महाराज जी का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, रैन बसेरा भी बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अभी सभी लोग जा रहे हैं, रश्मि जी की पूरी फैमिली है, उनके भैया भाभी बड़ी नंद उनके बच्चे सभी लोग हैं, सभी जा रहे हैं। अभी आपको भी दर्शन करवाती हूँ शनि मंदिर के, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं अभी। सत्संग भवन है वहाँ सामने,
यहाँ पर चल रही है फोटोग्राफी। यहाँ से एंट्री है मंदिर की। शनि महाराज जी के मंदिर में बजरंग बली के दर्शन। जय शनि देव, जय शनिदेव महाराज। यहाँ अंदर पूजा पाठ करवा रहे हैं पंडित जी। इस साइड प्रसाद वगैरह बांटा जा रहा है। जय शनि महाराज। लीजिए कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। टोकरी में विराजमान होकर साथ में आए हुए हैं। जय हो। इनकी कहाँ है ये टोपियाँ ना खिसक खिसक के नीचे गिर जा रही हैं बार बार। ये हैं भाभी जी। हाय भाभी जी। हाय, कैसे हो? ठीक हो? हम तो अच्छे हैं, आप बताओ। हम भी बढ़िया हैं। ये इनके बच्चे हैं छोटू से। इसको तो जानते ही आप। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ सही कहा आपने। जय दुर्गा मैया। कोकिला बिहारी भगवान जी। अरे वाह क्या बात है। जय हो। धूप बहुत तेज हो रही है, बहुत गंदी वाली धूप है। अभी दर्शन कर लिए हैं, चलो अभी वापस चलते हैं अपनी कार की तरफ। यहीं पे हमने जहाँ से प्रसाद लिया था यहीं पे उतार कर चले गए थे चप्पल भी। ये रही मेरी जूती कसूरी पहरी ना पूरी। मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन भैया बता रहे हैं कि नॉर्मली शनिवार के दिन यहाँ पर इतना रश रहता है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती। एक के ऊपर एक सभी लोग ऐसे कहते धक्का मुक्की पूरी, बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन आए हैं, रश काफ़ी कम था, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए। तो चलिए बढ़ते अपने सफ़र की तरफ एक बार फिर से। कोकिला बन बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, काफी रश है यहाँ पर भी। कार पार्किंग में लगा दी है अभी। वो रही हमारी मंजिल, सामने जो दिखाई दे रहा है मंदिर, वहाँ तक जाना है हमें। बरसाना में आप सभी का स्वागत है। लाडली कार पार्किंग। चलो चलिए राधे राधे। मार्केट स्टार्ट है यहाँ से। ये पौड़ियाँ हमें सीधा ले जाएंगी राधा रानी के दरबार में। काफ़ी सारी पौड़ियाँ हैं, चढ़ते चढ़ते सांस भी चढ़ रहा है, लेकिन दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके ही जाएंगे। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सर, कर दो कर। थक गए? राधे राधे वाली कमीज पहन के आया लड़का, हल्के में मत लेना। सच में यार ये पौड़ियाँ नहीं ले चढ़ूँगी, आराम से वेट कम हो जाएगा। मुझे लगा था पौड़ियाँ ख़त्म हो गई, बहुत सारी पौड़ियाँ चढ़ कर आई हूँ अभी। कहाँ है बाकी सब दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ रुक गए नीचे। मुझे लगा था कि सफ़र यहीं तक का है। मेरी सांस फूलती हुई देखकर अंदाजा लगा सकते हो आप, लेकिन अभी बहुत सारी पौड़ियाँ हैं जो चढ़नी बाकी है। ओह माय गॉड। हल्का सा मंदिर दिखाई दे रहा है अभी ऊपर, पसीने से तर हो गई हूँ मैं। दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई ना, तक 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 तक। अभी हमारी बाकी के साथ ही आ रहे हैं। होली 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 होली, आ जाइए राधा राधा कहते आइए। अरे खुले पैसे ले लो भाई।
यहीं से प्रसाद ले रहे हैं, यहीं पर चप्पलें भी उतारी जा रही हैं। ये देखिए नया दुकानदार आया है। जय हो भैरवनाथ। खुशी की लहर आती हुई श्री लाडली जी महाराज बरसाना फाइनली पहुंच गए मंदिर तक। पसीने कैसे तौराट लग रहे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। देखो बह बह के टीका नीचे आ रहा है, बार बार संभालना पड़ रहा है। बस थोड़ी सी दूरी और पहुंच ही गए हैं। राधे राधे आंटी जी। व्यू देखिए कितना प्यारा है, ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया यहाँ से दिख रही है। थोड़ी सी पौड़ियाँ और फर्श इतना गर्म है ना, ऐसे लग रहा है उबलते हुए खोलते पानी में पैर रख दिया हो जैसे। शुक्र है मैट बिछा हुआ है, मैट भी गर्म हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा, चलने लायक है। लेकिन नीचे का फर्श जो है हाय तो बाय। फोटोशूट ही फोटोशूट। ये हमारे कैमरामैन भाई साहब जी हैं। ये जो बगल में घास लगी हुई है ये भी आग उबल रही है, अभी थोड़ी सी पिक्स क्लिक करवाई है। चलिए अभी चलते हैं। ओ छाया में आके थोड़ा प्राण में प्राण आया, ऐसा फील हो रहा है, सुकून की सांस। राधे 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 राधे। काफी जनसंख्या में यहाँ पर भगत जन आए हुए हैं, सामने फोटो शूट चल रहा है, वो रहा सामने दरबार कान्हा जी का, राधा मैया का। चलो आज हमने भी दर्शन कर लिए ब्लॉग के जरिए, आप सबने दर्शन भी कर लिए, तो जहाँ पर भी बैठे अपने स्थान पे बोलेंगे राधे राधे। कान्हा जी राधे मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के घर पे कृपा हो, सभी के भंडार परिपूर्ण रहे हमेशा। राधे 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 राधे। हमारो घन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रसाद चढ़ा दिया पंडित जी ने, इतना प्रसाद वहाँ से वापस किया है, अभी घर जाकर सब में बांटूंगी मैं। मेरा दिल तो दीवा ये देखिए पीछे सारे घर ही घर है, कितना प्यारा व्यू है। राधा रानी की भक्ति की जा रही है, सबका अपना अपना तरीका है भगवान को रिझाने का। भगवान सभी की ये मनोकामना पूर्ण करना, जिस जिस मनोकामना से सभी भक्त यहाँ पर आए हैं, सभी की लाज रखना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। मेरा शाम दीवाना, बड़े प्यारे प्यारे भजन गा रहे हैं। शाम दीवाना मेरा शाम। छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंद लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। एक बार फिर से भैया को देखिए पर्स टांगे हुए। ये है रश्मि जी के भाई साहब। नमस्कार भैया। राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। अभी ना इतनी गर्मी में बुरा हाल पसीने से, जस्ट हल्का सा मैंने कहा भैया यार कहीं पानी का जुगाड़ नहीं है यहाँ पे, भैया बॉटल्स लेकर आ गए हैं। देखो सारी सेवा का फल इन्होंने ले लिया। मंदिर से एग्जिट करते हुए अभी हम जय हो। हेलो। जैसे एंट्री की थी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक फोटोग्राफर साहब को पकड़ रखा हमने, उन्होंने कुछ हमारी पिक्स क्लिक की थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि जाते समय ये पेड़ है, पेड़ के नीचे आपको मैं मिलूंगा, लक्ष्मण नाम है मेरा। लेकिन हमारे लक्ष्मण भ्राता जी गुम हो चुके हैं, अभी उनको आवाज़ें लगा रही हूँ मैं। लक्ष्मण भ्राता कहाँ हो तुम, मिल
अभी अम्मा बहुत जिद कर रहे हैं कि मेहंदी लगवा लो मेहंदी लगवा लो। राधे 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 अम्मा। तो गाइज मेहंदी लगवाई जा रही है और लास्ट ईयर जब हम आए थे तो माँ जी ने लगवाई थी और माँ जी ने एक बात बोली थी कि तुम हर साल आओ यहाँ पे और आ गए फिर दोबारा से इनका। इसने इसको बंद कर दे ना, लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा मेहंदी, ना सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, मिनटों मिनटी काम, हाथ रच गए है। कल वैसे सच में मेरा मन बड़ा कर रहा था मेहंदी लगाने का लेकिन टाइम ही नहीं मिला। मंदिर से एग्जिट लेते हुए अभी हम मेन द्वार से बाहर आ गए हैं। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। मेहंदी से ना दिल खुश हो जाता है मेरा, अच्छी लग रही है ना। वैसे मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है और वो मंदिर से आने का रास्ता है लेकिन हम इसी साइड से आ रहे हैं क्योंकि हमने चप्पलें यहाँ पे उतारी थी जहाँ से प्रसाद लिया था, तो वहाँ से अपनी चप्पल वगैरह वापस लेके चलेंगे। राधे राधे। अभी पौड़ियों से उतरते उतरते रास्ते में एक और मंदिर दिखाई दिया। 100 रुपए किलो जामुन है, जामुन ले जा रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर रुके हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट नहीं करोगा। हाँ बैठ रहे हैं, स्टार्टिंग कर दी गई है। मलाई मार के कुल्लड़ में लस्सी आ गई है। यहाँ पर देखते हैं अभी टेस्ट करके कैसा टेस्ट है इसका। यहाँ पर हो रहा है अभी ब्रेकफास्ट। वैसे तो ऑयली खाना छोड़ रखा है मैंने लेकिन अब बाहर आकर थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है। छोले कुलचे लिए अभी खाने के लिए। छोले कुलचे लेने का तो ले लिए मैंने खाने के लिए लेकिन मुझसे खाए ही नहीं गए, बड़ी मुश्किल से खाए मैंने सच में। इतना कोचा कोचा के खाना बड़ा मेरे को पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया ऑयली ऑयली सा छोड़ रखा है, शायद इस वजह से हो सकता है। खाने का मन ही नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से खाया। अभी तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, बरसाने में दर्शन कर लिए हमने और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। सच बताऊँ तो ऐसे लग रहा है जैसे एक सपना सा सच हो रहा हो। 10 के 4 मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं। 10 के 4 कड़े। राधे राधे राधे। राधा रानी की यहाँ मेहंदी के हाथ धोए, मेहंदी के हाथ धोने का कारण क्या था कि नंदगांव चली गई थी राधा रानी। राधा रानी को देख करके यशोदा मैया ने सूर्यनारायण भगवान से ये प्रार्थना किया था कि मेरे कन्हैया को ये बेटी राधा मिले। तुरंत ही राधा रानी के हाथों में मेहंदी लगा दिया था, ऐसा भाव आ गया मैया के। अच्छा। राधा रानी और चुनरी भी उड़ाई थी, गोद भर दिया था। अच्छा। तो ठाकुर जी की इच्छा से जब राधा रानी लौटी तो यही रास्ते में मन में विचार आया कि माँ मुझे डांटेगी कि मेहंदी कहाँ लगवा के आई, तो राधा रानी ने यही धो लिया था मेहंदी के हाथों को। राधा रानी की जय। और कंस को भी गोपी बनाया, कंस के लिए भी गोपी बनाया, उसको हरण करने के लिए आया था। तो जो है 6 महीने तक गोबर डलवाया और ठाकुर जी की इच्छा से जो रोने लगा तब उसको छोड़ा। राधा रानी की जय। इस पीली पोखर में कछुए दिखाई दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं फिर डूब जा रहे हैं। लक्ष्मी जी का वो है वैसा कछुआ है ना। हाँ, लक्ष्मी माता जी का वाहन कछुआ। जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा राधा
राधा राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री। कब से यहाँ पर तलाश की जा रही है कछुए की? कछुआ महाराज जी सिर्फ एक सेकंड के लिए आते हैं, तुरंत से झट से नीचे चले जाते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि आपको दिखा पाऊँ, लेकिन शायद ब्लॉग में पकड़ पाना मुश्किल है। यहाँ पर चमगादड़ लटके हुए हैं उल्टे होकर, ब्लैक ब्लैक इतने बड़े बड़े चमगादड़ है। शायद दूर से आपको ना दिखाई दे रहे हो, दूर से देखकर ऐसे लग रहा है जैसे पन्नी हिल रही हो, लेकिन चमगादड़ है वो। पूरा दे पूरा पेड़ भरा हुआ है, बाप रे। इधर से तो वैसे भी वो आ रहा होगा। ये देखो नीचे क्या हो रहा है। आने इधर ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बता रही है रश्मि जी की राधा जी पूजा किया करती थी भोलेनाथ की, और यहाँ पर अभी भी वही शिवलिंग स्थापित है। अभी तो दोपहर का समय हो रहा है, धूप हो रही है, तो अभी साफ सफाई चल रही है मंदिर की, नहीं तो वहाँ के दर्शन भी जरूर करवा देती आपको। तो गाइस अभी निकलने लगे हम यहाँ पीली पोखर से। अभी तक आपको मैंने दिखाया इस ब्लॉग में मेरे घर से आना, इसके साथ शनि महाराज जी के दर्शन वहाँ मंदिर के, इसके साथ ही हम सारे मंदिर जितने भी अभी घूमेंगे, काफ़ी सारे मंदिर तो अभी घूम चुके हैं, अभी काफ़ी सारे मंदिर और घूमेंगे आगे। अभी क्या क्या होने वाला है वो सब आपको दिखाई देगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि फिर फुटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि आज ही के दिन का जो आगे का सीन होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई देगा। आगे आने वाले ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा ब्लॉग्स को और चैनल में बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले ब्लॉग्स के साथ आप रहे अपडेट। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक क्या, अभी तो मंदिर घूमेंगे, राधा रानी की नगरी में आए हैं, कान्हा जी की नगरी में आए हैं। बहुत प्यारा माहौल है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है, मज़े किए जा रहे हैं ज़िंदगी के, लेकिन गर्मी है, धूप है, लेकिन मन में आस्था भी है, जाने की लगन भी है, तो इतना कुछ खास फील नहीं हो रहा। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। ये आइए राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे राधे।